एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज ना मैं आप लोगों के साथ एल्फ के कंसीलर का रिव्यू करने वाली हूँ, अनदर हाइप प्रोडक्ट फ्रॉम एल्फ। ठीक है, आप लोगों ने मेरा एल्फ का पट्टी प्राइमर का रिव्यू तो चेक कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है अभी तक, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। मैंने इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा हाइप सुनी हुई है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एल्फ का बेस्ट कंसीलर है, एल्फ का बेस्ट प्रोडक्ट है कैमो कंसीलर। ठीक है, और जब मैंने एल्फ के प्रोडक्ट्स परचेज किए थे तो इस प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक था। लिटरली कितने टाइम तक ये वाला प्रोडक्ट, काफ़ी लंबे समय तक ये आउट ऑफ स्टॉक था। अगर मैं आज भी देखूँ तो इसके बहुत बहुत सारे शेड्स आज भी आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, आपको टोटल 18 शेड्स मिल जाते हैं, जिसमें मैंने अपना शेड लिया है 10 लाते। ठीक है, मैंने ना मतलब बहुत ज़्यादा लाइक देखा कि कौन सा शेड मेरे लिए थोड़ा सा रहेगा, सही रहेगा, सूटेबल रहेगा, तो फिर भी मैंने जो 10 लाते शेड लिया। पहले मैं बता दूं, इसमें आपको प्राइस पॉइंट इसका 800 रुपीज़ है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अफोर्डेबल। सो ये 800 रुपये का कंसीलर मिलता है, लेकिन मैं आपको अगर आपने सैटिन फाउंडेशन का मेरा रिव्यू चेक किया है एल्फ का, तो उससे बढ़िया है कि आप कंसीलर ले लो, बिकॉज एटलीस्ट ये आपको बहुत अच्छी कवरेज देता है। ठीक है, एल्फ के फाउंडेशन की बजाय आप एल्फ का कंसीलर ट्राई कर सकते हैं। अनदर थिंग कि इसका जो क्वांटिटी है काफ़ी अच्छी मिलती है, 800 रुपये में आपको इसका एप्लीकेटर बहुत ही बढ़िया है, यू कैन सी। ठीक है, और ये एप्लीकेटर बिल्कुल है लॉरियल के फुल वेयर कंसीलर जैसा, जैसा उनका एप्लीकेटर है बिल्कुल वैसा ही इसका एप्लीकेटर है। ऐसी स्लीक सी इसकी पैकेजिंग है। इसकी आउटर पैकेजिंग अभी मेरी थोड़े टाइम पहले आंखों के सामने पड़ी थी, लेकिन अब वो कहाँ उड़ गई है, गायब हो गई है, मुझे नहीं पता। ठीक है, सो मैं आपको दिखा दूंगी साइड पे, अगर मुझे मिली तो मैं यहाँ पे साइड पे लगा दूंगी, जो आउटर पैकेजिंग होगी। ठीक है, इसमें आपको टोटल 18 शेड्स मिल जाते हैं, 10 लाटे इसमें मैंने अपने लिए शेड लिया था, और इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़िया है इस कंसीलर की। 16 आर, मैंने इसको 16 आर तक तो नहीं, लेकिन इसको मैंने 5-6 घंटे तक आराम से मैंने इसको अप्लाई करके देखा है। ये कंसीलर बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता है, ड्राई नहीं करता है आपके अंडर आई एरिया को, स्पेशली अंडर आई एरिया को, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही लोगों की अंडर आई एरिया के पास यही प्रॉब्लम होती है कि उनका कंसीलर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, क्रीज करना शुरू कर देता है। ये कंसीलर बहुत अच्छा है, कैमो कंसीलर, इसको मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी ट्राई करने के लिए, अगर आपने कैमो कंसीलर ट्राई करना है एल्फ का। आई नो 800 रुपीज़ थोड़े से ज़्यादा प्राइस पॉइंट है इसका, महंगा है ये, लेकिन अच्छा है, वर्थ ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि इसको परचेज़ करने के बाद आपको थोड़ा सा रिग्रेट हो, ऐसा नहीं होगा, आपको कंसीलर ये अच्छा लगेगा, बिकॉज ये फुल कवरेज आपको देता है, क्रीज नहीं करता है, ड्राई नहीं करता है अंडर आई एरिया को, बहुत जल्दी सेटल्ड नहीं हो जाता है। समटाइम्स जो कंसीलर होते हैं बहुत जल्दी हमारी क्रीज लाइंस में सेटल्ड होने शुरू हो जाते हैं, ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंने अपने पाउडर के साथ अपने अंडर आई एरिया को सेट भी किया था, ठीक है, तो तब भी मेरी जो बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही है अंडर आई एरिया मेरी, एंड अभी मैंने 5-6-7 वीडियोज़ भी बना ली है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छे से ये कंसीलर सेटल्ड रहता है, बिल्कुल भी बज नहीं करता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, आपके ड्राई या फ्लेकी नहीं होता है। सो आपको अगर ट्राई करना है 18 शेड्स में से अपना शेड आप पिक कर लीजिए, एंड आप ट्राई कर सकते हैं इस कंसीलर को। और इसको मैंने ब्रश के साथ ब्लेंड किया था, आप किससे मर्जी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। इसका कैमो कंसीलर, जो कैमो स्पॉन्ज है ना, वो भी मेरी वन ऑफ दी आई वुड से फेवरेट प्रोडक्ट है फ्रॉम एल्फ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा प्रोडक्ट भी वो अब्सॉर्ब नहीं करता है, और वो भी आज मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जब मैंने कंसीलर का रिव्यू करना था तो मेरे को यही था कि मैं कंसीलर कैमो कंसीलर जो स्पॉन्ज है उसके साथ इसका शेयर करूंगी, लेकिन वो भी आज मुझे नहीं मिल रही है, एंड ये पूरा क्रिएट जो सीन हुआ ना, मेरे को बहुत अनॉइंग लग रहा है। सो ओके, लेट्स मूव। तो अच्छा है कंसीलर, अगर आपको ट्राई करना है ना तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको जो शेड्स मिलते हैं 18, वो बहुत अच्छे हैं, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, ड्राई नहीं करता है, क्रीज नहीं करता है, सो इट्स अ गुड कंसीलर। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है आप लोगों के लिए, ये मिनी सा रिव्यू कैमो कंसीलर का, तो आप डेफिनेटली इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप हेल्पफुल रही है वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।